खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए KNN मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हॉकी की दुनिया में वंडर गर्ल गोल मशीन के नाम से जाने जाने वाली रानी रामपाल को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा के साथ ही शाहबाद और उसके परिवार में खुशी का माहौल है। हालांकि रानी रामपाल विदेश में है, लेकिन पद्मश्री के सम्मान की घोषणा के साथ ही रानी रामपाल के माता पिता खुशी के आंसू बेटी की सफलता की कहानी बता रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हॉकी की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र की रहने वाली घोड़ा गाड़ी चलाने वाले रामपाल की बेटी ने रानी रामपाल हो गई। परिवार और उसके परिवार का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। अपने पिता रामपाल का नाम साथ लगाकर पूरे देश दुनिया में नाम रोशन करने वाली रानी रामपाल की जिद के आगे परिवार ने अपने हथियार डाल दिए थे। रानी रामपाल को अर्जुन अवार्ड से पहले ही सम्मानित कर दिया गया था। पद्मश्री मिलने की घोषणा के साथ ही रानी रामपाल के पिता रामपाल भावुक होकर बता रहे हैं कि रानी रामपाल की जिद के आगे वह झुक गए। तो रहे उस लेवल पर तो नहीं बात बनी थी। उस लेवल पर किसी बात वाला नहीं बन गई थी तो किसी बात होने की भी नहीं है। सख्त भी तो था ना आदमी, वो ये प्लेयर सुल्ला का सारी तरह आया बैठ जाता राम पे कोई नहीं पड़ी थी और कुछ टेंशन नहीं देवा कोई टेंशन जाती है घर ही अपना का टेंशन की बात की कोई बात और दूसरी बात नु आना भी एक लड़की ना तेरे कार्ड ना मार ले उस टाइम आई तो चलो लोगों ने देखी चीजा भाई तो चल रहा काम वो तो आप उस टाइम की बात देखो ना कोई जिगरा तो चाहिए। मान लो आप कितने साल हो गए ना खेलते ना जी वो भी बात आ जाना ये एड्रेस वाली बात है। हाँ जी ये मान लो रानी का नाम तो ये पूछ का हम जा रहे हैं ना कहीं जाओ हमारे शहर में जाना भी खुशी हो आदमी ना इससे बड़ी तो ठीक। क्या कहेंगे जी आपकी बेटी को पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत खुशी है हमारे आइडियो आवाज में। तो बात हुई है रानी की? अभी फोन नहीं आया। कैसा लगता है अभी आप भी किसी की बेटी हैं और आगे आपकी बेटी जो है भाई इतने बड़े मकाम पे पहुंची है? हाँ जी कहेंगे क्यों नहीं, वे सब किसी की बेटियाँ हॉकी खेलने प्लेयर बने स्टेज पे पहुंचे जहाँ हमारी पहुंची आज जिन्हें देश का नाम रोशन कराया अपने शाहबाद को कराया।